हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज कोई ब्लॉग नहीं, आज एक रेसिपी वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए। तो इस रेसिपी को मैंने ट्राई की और ये रेसिपी बहुत ही यम्मी बनी थी गाइस, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो इस रेसिपी का नाम है एग लबाबदार। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई पर थोड़ी सी सरसों के तेल डाल दी है, उसमें तेज पत्ता, 2 से 3 इलायची, दालचीनी और 1/2 चम्मच जैसे ज़ीरा। और इसी के साथ हमें चाहिए होगी 2 मीडियम साइज की प्याज, बिल्कुल ही बारीक कटी हुई। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कच्चापन ना जाए। और हमारे घर पे हम लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं, नॉनस्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं, और नॉनस्टिक हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है, तो इसीलिए नॉनस्टिक को अवॉइड कीजिए। तो ये देखिए 1/2 चम्मच जैसे लहसुन और साथ ही अदरक, अदरक भी वही सेम क्वान्टिटी में 1/2 चम्मच जैसे, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। बस अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो तब तक हमें चलाते रहना जब तक कि इनका कच्चापन ना जाए। तो इसी के साथ अभी हम मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून जैसी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जैसी रेड चिल्ली पाउडर। तो ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये तीखी नहीं होती है, ये कलर के लिए मैंने यूज़ की है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच जैसे ज़ीरा पाउडर, और सारे मसालों के साथ इस ज़ीरे पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी 2 छोटे साइज़ के टमाटर की पेस्ट। टमाटर को आप काट करके बिल्कुल ना डालें और ना ही ग्रेट करके डालिए, इसी तरह से पेस्ट करके ही डालिएगा। इससे जो है ग्रेवी की थिकनेस और भी अच्छी तरह से आती है। और देखिए 1/2 चम्मच जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिए है तंदूरी मसाला। आप चाहे तो चिकन मसाला, मीट मसाला, कोई भी मसाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टेस्ट और भी बेटर हो जाती है। और थोड़ी सी पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है वो हमारी जले नहीं। और बस अभी इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही भूनते रहूँगी जब तक कि इससे इसकी ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होने लग जाएगी उसी टाइम में ग्रेवी के लिए पानी डाल दूंगी। तो ये ग्रेवी के लिए पानी जो आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं आज 5 अंडों की एक लबाबदार बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं पानी यहाँ पर मैंने डाली है। तो आप कितने अंडे से बनाएंगे उस हिसाब से आप ग्रेवी डालिए, मतलब पानी आप डालिएगा। तो देखिए जब तक इसमें उबाल आएगी, उबाल आने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो एक चुटकी भर मैंने यहाँ पर डाल दी कसूरी मेथी, और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अभी 1/2 चम्मच जैसी गरम मसाला पाउडर। और अभी कुछ नहीं करना है, इसे हाई फ्लेम पे ही इसी तरह से थोड़ी देर में रिड्यूस कर लूँगी। इसकी जो पानी है थोड़ी से रिड्यूस हो जाए, थोड़ी से थिक हो जाए ग्रेवी, उसी के बाद यहाँ पर मैं अंडे डालूँगी। और अंडे देखिए मैं यहाँ पर एक प्लेट में लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसी तरह से डालना है, अंडा बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। और बारी बारी करके सारे अंडों को मैं इसी तरह से डालती जाऊँगी। और अंडा जो है वो डालने के बाद बिल्कुल ही चलाना नहीं है, हाई फ्लेम पे इसी तरह से रख देना है। तो ये काम जो है बहुत सावधानी से करिएगा। और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और मैंने यहाँ पर डाल दी फ्लेवर के लिए। तब कुछ नहीं करना, इसे चलाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अभी ग्रेवी को थोड़ी थिक होने देंगे। उसके बाद आप देखिएगा, ये देखिए अंडा जो है वो ऊपर आने लग गए हैं, और देखिए मैं अलग अलग हो गए हैं। पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी अंडे, अब देखिए सब दिखाई दे रही है। और इसी तरह से बिल्कुल हमें इसे हिलाना नहीं है, चलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से बस इसे इस तरह से हमको सेपरेट कर देना है। और ग्रेवी देखिए हमारी बिल्कुल थिक हो गई है। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ, ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए इसके कलर देखिए, बहुत ही प्यारी कलर आई है। और ये खाने में गाइस बहुत ही टेस्टी बनी है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसे बना पाए अपने घर पर। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे बहुत अच्छी लगेगी अगर आप पराठे, पूरी या फिर रोटी के साथ खाएँगे। तो हमने तो चावल के साथ खाई थी, चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगी थी। तो गाइस कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।